हेलो दोस्तों, मैं राधिका। अर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रात के बचे हुए चावल लिए हैं। यदि इसे कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप चावल है। अब इन चावल को हम मिक्सर डाल के अंदर डाल लेंगे। आज मैं आपके साथ बचे हुए चावल की इतनी बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, जब भी आपके घर चावल बचेंगे आप इसे ही बनाकर खाएंगे और खाने में तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप खाते ही रह जाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच दही। दही यहाँ पर आपको एकदम ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। यदि आप एकदम ज्यादा खट्टे दही का यूज करेंगे तो ये जो नाश्ता है ये खाने में थोड़ा सा आपको ज्यादा खट्टा लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर फ्रेश दही का यूज करें। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी यानी कि रवा। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास घर में अवेलेबल हो। सूजी डालने से ये नाश्ते में थोड़ी सी बाइंडिंग मिलेगी और हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब पानी वगैरह हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि जो चावल रहते हैं उसके अंदर ही मॉइस्चर रहता है। यदि हमें जरूरत लगेगी तो हम पानी का यूज करेंगे। तो अभी मैं इसे बिना पानी डाले ही पीस रही हूँ। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और मैंने यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर ये बैटर बनकर तैयार हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर इस पेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं ये बहुत ही थिक है, हम इसमें पानी का यूज बाद में करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले मना किया है कि यदि आप पहले से ही ढेर सारा पानी डालेंगे तो ये बैटर पतला हो जाएगा और इस नाश्ते को बनाने के लिए बैटर एकदम ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो सूजी है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि यहाँ पर आपको बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह की रखनी है। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब इस नाश्ते का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। इसमें हम डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1 गाजर जिसे हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बीटरूट डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप हरी मटर, ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालें और नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर फ्रोजन मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियाँ डालने से यह नाश्ता थोड़ा सा और भी हेल्दी बन जाता है और ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होता है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 1/3 चम्मच चाट मसाला जिससे कि बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप यहाँ पर मसालों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं यदि आप इस नाश्ता को ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तब भी नमक डालते हैं, यदि आप नहीं डालते हैं तो नमक की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मैं यहाँ पर चावल बनाते समय नमक डालती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा कम डाला है। अब सारी सामग्री को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अधिकतर ऐसा होता है कि हम चावल बनाते हैं और कभी चावल किसी कारण से बच जाते हैं, तो या तो हम उसे फ्राई करके खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं, या तो घर में इसे कोई खाना पसंद ही नहीं करता है। लेकिन उसी बचे हुए चावल से हम कोई बढ़िया सा नए तरीके का नाश्ता बना के खिलाते हैं तो घर वाले फटाफट से उसे खा लेते हैं और वो चावल भी बचे हुए खत्म हो जाते हैं। तो जब भी आपके घर चावल बने तो इस रेसिपी को आप जरूर बना के खिलाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इस नाश्ते का स्वाद और दुगना करने के लिए इसके लिए हम तड़का तैयार करेंगे। अब एक तड़का पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच ऑयल और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच राई और राई को अच्छी तरह से चटकने देंगे। तो आप देख सकते हैं राई यहाँ पर अच्छी तरह से चटक गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सौंफ। सौंफ से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो सौंफ को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। फिर डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्का सा इन्हें पकने देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते जैसे मैंने रफली कट कर लिया है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें हल्की सी पक गई है, गैस को हम बंद कर देंगे और इस तड़के को तुरंत उठाकर हम बैटर के अंदर डालेंगे। साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा जिसे कुकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसे डालने से हमारा जो नाश्ता है वो तो सॉफ्ट और नरम बनेगा, तो इसे आप लास्ट में ही डालिए। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो तड़का है, धनिया, ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, अब ये नाश्ता बनाने के लिए बैटर रेडी है। और आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह का आपको यहाँ पर बैटर रखना है, एकदम ज़्यादा पतला बिल्कुल भी नहीं करिएगा।
अब ये नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अप्पे पैन लिया है। इसे हम हल्का हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऑयल की जगह बटर या घी का यूज़ भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर आप इसे थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करिए। जैसा कि मैंने आपको कहा है, बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो पैन यहाँ पर हल्का सा गर्म हो गया है। अब जो हमने बैटर रेडी किया है, उस बैटर को हम इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस तरह से एक एक चम्मच भरकर हम बैटर को फिल करेंगे। आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह का यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी आपको रखना है, तभी जो इसका शेप है वो बहुत ही बढ़िया सा गोल आएगा। इस तरह से सभी सांचों के अंदर हम बैटर को फिल कर देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और ढक करके लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। यहाँ पर 1 से 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। एक साइड से जो अप्पे हैं वो अच्छी तरह से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं ये फूले फूले दिखाई देने लगे हैं। अब इसके ऊपर हम बिल्कुल हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि हम इसे पलट कर सके तो ये अच्छी तरह से सिक जाएं। एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही ऑयल डालना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने यहाँ पर कितने कम तेल का इस्तेमाल किया है। अब इन्हें हम हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे। यदि ये इजली से नहीं पलटा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका लें, लेकिन ध्यान रहे हल्का सा पकने के बाद ही इसे आप पलटिए, कच्चे में बिल्कुल नहीं पलटिएगा, नहीं तो ये टूट जाएंगे। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है। सभी को हम इसी तरह से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे। दूसरी साइड से हमें इसे ढकना नहीं है, इसे हमें खोल कर ही पकाना है। वो इसलिए यदि हम इसे ढककर पकाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इस तरह से इसे खुला हुआ पकाएंगे तो ये हल्के से क्रिस्पी रहेंगे। अब इन्हें इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें पकाना है। ध्यान रहे इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे चावल जो है वो ऑलरेडी पके हुए हैं और सूजी जो है वो बहुत ही जल्दी से पक जाती है, इसलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए समय भी बहुत ही कम लगता है, बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार होता है। तो ये नाश्ता यहाँ पर अच्छी तरह से पक चुका है, मैंने इन्हें अलटते पलटते हुए पका लिया है। दिखने में कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है, तो इसे हम उठाकर प्लेट में रख लेंगे। वाह देखिए कितना यम्मी लग रहा है, कोई कह सकता है कि ये बचे हुए चावल का नाश्ता है? कितने टेस्टी और यम्मी दिख रहे हैं ये अप्पे। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बना के खाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।